गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं नेवर हैव आई एवर। तो ये गेम है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, देखो जो मेरी तरह सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम वाले, होता ऐसा है कि इसमें एक सवाल पूछते हैं, हमें बस बताना होता है कि हाँ वो मैंने करा है और हाँ वो मैंने नहीं करा है, ठीक है। तो चलो पहले वेलकम बैक करते हैं। तो कैसे हो? बढ़िया, मजे में। सब सही? सब पे दामों ऊंचा या तो चलो शुरू करते हैं। Never have I ever called a partner the wrong name and then heard a taunt। तो हिंदी मीडियम वालों, सवाल ये था कि क्या कभी हमने अपने पार्टनर के सामने, मतलब जीएफ या बीएफ के सामने, किसी थर्ड पर्सन का नाम लिया जो हमारी एक्स या फेवरेट पर्सन थी? तो मैंने तो नहीं के सामने लिया, वैसे तो नहीं लिया। मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने इसका नाम किसी और के सामने लिया था, वो भी गलती से, बाय मिस्टेक, और मेरी लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर पीड इन द पूल। तो इस क्वेश्चन का मतलब कुछ ऐसा था कि क्या हमने कभी पूल में मूत्र विसर्जन किया है? मूत्र विसर्जन, हाँ, मेरी इतनी हिंदी क्लियर भी नहीं है तो मैंने बोल दिया। तो क्या मैंने करा है? वैसे अभी बता रही हूँ कि हम पूल पार्टी थे, तो मेरे को बैठे थे पूल में, मतलब पूल पार्टी थी, पूल पार्टी थी, हाँ पूल पार्टी, के बोलना थोड़ा सा, पूल पार्टी थी वहाँ पर, हम लोग मतलब सब थे, मेरे को टॉयलेट भी आ, मैं दो तीन बार गई थी, मैं थक गई और जा जाके मैंने वही पर ही कर देता, फिर मैं खुद ही निकल गई थी उसके बाद। बस ऐसे तो हर कोई करता है, मैं अनोखी नहीं हूँ। आपने नहीं करा क्या? ओ मैंने तो भाई ऐसे करा था, मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को प्रेशर आया तो मैंने निकाल दिया, और मैं उस टाइम पे छोटा था, छोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवर हैव आई एवर किस्ड समवन फ्रॉम द सेम जेंडर। नहीं, हाँ मैंने दो हाँ मैंने करा तो है, हाँ लड़की को करा है मैंने, हाँ मैंने नहीं करा था, वो लड़की मेरे को, रुको ना यार, क्या मतलब, मैं छोटी थी और मेरी एक दोस्त थी, वो थोड़ी वैसी टाइप की थी, मतलब होता नहीं तेज वगैरह सब, मेरे को तब पता नहीं था, तो साथ नहाते थे हम दोनों, हाँ अरे यार बचपन थे तो साथ नहाते थे, तो उसने मेरे को एकदम से किस कर दिया, कहाँ पे? होटो में यार। होई। हाँ तो मैं सोचने लगी यार ये क्या कर रही है, तब बचपना था, और उसके बाद मेरे को बहुत अजीब लगा, मैं चली गई बस। शीमेल तो नहीं थी वो, मुझे क्या बता, बस कर दिया मेरे को, बहुत गंदा लगा। तो अगला सवाल, नेवर हैव आई एवर वेयर द सेम अंडरवेयर फॉर 3 days। यार ये सब कांड हमने करे है क्या? मुझे लग रहा है मैंने तो करा है, मैंने भी करा है। हाँ चल पहले मेरी कहानी देखो। मत कहो, बोलो देखो मेरे साथ और कहा, नहीं चलो बोलो। देख मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने एक शादी में गया था, और शादी में मैं 2 अंडरवेयर लेके गया था अपने साथ, क्योंकि मैं 2 days के लिए गया था, बट वहाँ हुआ ऐसा सीन कि एक कोई बंदा था, बड़ा ही चू बंदा था, समझ रहे हो, चू बंदा, मैंने अंडरवेयर नहा के सुखाने के लिए रखा, उस बंदे ने मेरा अंडरवेयर पहन के नहा रहा है, मैंने देखा, मैंने कहा, मैंने भैया बताओ यार उस आदमी की किस्मत कितनी गंदी होगी जिनका कच्चा पहना होगा। जॉकी का कच्चा था, महंगा कच्चा तो जॉकी का था, लेकिन माचो वाचो नहीं था, रूपा फ्रंट लाइन नहीं था, जॉकी था। उस बंदे ने मेरा कच्चा पहन लिया, तो मेरा उससे मन उतर गया, मैंने हटा, फिर मैं उसी एक अंडरवेयर में 2-3 दिन बिताया। और ये झूठ कह रहे हैं, एक और चीज है वो नहीं बता रहे आप, कौन सी चीज? जिस कच्चे में से बदबू आ रही थी आपके, तो मेरा कच्चा सुनगे क्यों? छूंगा नहीं था यार, मैंने धोने के लिए, नैनीताल का सीन था वो। अबे तो वो तो नैनीताल में, तो नैनीताल का सीन मैं बता रहा हूँ क्या होता, नैनीताल में हुआ ये था कि मेरा कच्चा सूखा ही नहीं था,
और कच्चा क्यों बोल रही है? सॉरी सॉरी अंडर है सर। और ऐसे मतलब बदबू सी आ रही है, मैं कहां से देगा? तो उधर दरवाजे के पीछे टंगा के रखा पड़ा था। मैंने ऐसे ये सूंघ लिया था यार किसका कच्चा मैं। हां यार मैंने सूंघा ही कि मेरे को नहीं, बस मैंने हां दो बार पहना था अंडरवियर बस, उसके बाद मैंने वॉश कर दिया। मेरी नॉर्मल कहानी है, मेरे में कुछ ऐसे है नहीं। वो बंदा बड़ा ही चूता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोलती हूँ को। Never have I ever tried to pass a silent fart, but it come out loud instead. तो कुछ बोलना चाहोगे? तो भाई जिनको समझ नहीं आया, क्योंकि आधा समझ मेरे को भी नहीं आया, लेकिन इसका ऐसा कुछ मतलब है कि हमने गैस छोड़ा हो, कोशिश धीरे हो, लेकिन हमारा धमाका बड़ा हुआ हो। हाँ, यही है ना? हाँ हाँ ऐसे ही है, इतना भी इतना गंदा नहीं बोलना था। तो अपनी कहानी बताओ। I have मेरी दीदी थी। हाँ मैं वैसे ध्यान से देखिए इस पात मारने वाले इंसान को, यार हर कोई पातता है ठीक है ना। तो मैं घर पे थी, लड़कियां भी पाती हैं, मतलब रुको ना, मेरे घर में सब फाट मारते, मतलब मम्मी इतना तेज मारती है, मतलब माया ये सब लोग बहुत तेज तेज मारते हैं, तो मुझे इस सब पसंद नहीं था। मैं दिखाती हूँ, छी यार कितना गंदे है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? मेरी बहन भी पाती थी बहुत। पतोड़े हैं क्या सारे के सारे? अरे यार गैस आती निकल जाती है, क्या बात है। तो मैंने सोचा कि धीरे छोड़ती हूँ, धीरे जैसे छोड़ा वैसे तेज निकल गई। मेरी दीदी यूं देख रही है, मतलब है ना ये ऐसे इतना भी गंदा, तुमने सुना है क्या मेरी बात? मेरा तो ये हुआ था कि देखो मैं क्लास में था अपने, तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में होता है ऐसे, बहुत सारे बच्चे थे, अब चाहे उसमें तुम जितना भी तेज पा दो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ भैया इतना शोर होता था ना कि क्या कहे। मेरी कोशिश थी कि किसी को पता ना चले उस शोर में भी, तो मैंने हल्का सा ऐसे करा, उतने में मेरा डर। लेकिन यार ये पाते बहुत है सच्ची में, नहीं पाते। तू मेरा कच्चा सुन ले, तू मेरी बात सुन ले। क्या पाते भी आप मेरे सामने? बच्चे भी देखो खुद की टाइम पे कैसे शक्ल बना रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Never have I ever sing a song loudly while wearing headphones. तो ये क्वेश्चन तो भैया सबको समझ आ गया होगा, ठीक है? आ तो गया। मैं इसमें ना ही कहूंगी। मैंने मतलब I have, मैंने करा तो है, मतलब गाया तो है, बट ना हेडफोन नहीं था उस जगह पे। क्या था, हमारा ग्रुप हुआ करता था, हम स्पीकर लेके जाते थे और चिल्ला चिल्ला के गाते थे, इससे करा है। ऐसे करा है, मैंने नहीं करा। भले मैं स्कूल के बच्चे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैनर्स भी होता है कुछ जो मेरे अंदर नहीं है। मैनर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। Never have I ever searched dirty videos in a wrong app. Hey boy. चाओ अपन कहेगी या? तो भैया हमारा है Never. मैं ना कॉमेडी वीडियो ढूंढ रहा था असल में मैं ना कॉमेडी वीडियो ढूंढ रहा था, तो मेरे YouTube में ना एक वैसी वीडियो नहीं आती कि आप प्रैंक करते हो अंग्रेजों का, होता है कि उसका उसका स्कर्ट टूट जाता है, तो मैंने उसमें सर्च मारा था कि उसी टाइप के और भी वीडियोस आने चाहिए, सेक्सी फनी वीडियो। सेक्सी स्कर्ट टूटने वाली नहीं वीडियो। मैंने सर्च मारा था सेक्सी फनी वीडियो, ये सर्च मारा था मैंने एक बार बस। मैंने कभी किसी के बीच लड़ाई नहीं करवाई हूँ, मैं बहुत अच्छे है। क्या है यार इतना बोल नहीं कर रही मैं, अंडे मत देने लग जाना नीचे, कहानी सुनाने लग जाती है बे। यार इनके बीच पीछे भी तो कोई कहानी होती है ना, जैसे इस शक्ल के पीछे भी कोई कहानी होगी। इतना खूबसूरत इंसान बैठा है इनके बगल में इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन कट। नेवर हैव आई एवर गिवन समवन द रॉन्ग फोन नंबर ऑन प्रपोज। मैं तो कहूंगी चौको ने बहुतों को दिया होगा, लेकिन मेरे को आज तक किसी ने प्रपोज नहीं करा। देखा पता नहीं यार ऐसी शक्लों को प्रपोज मिल जाते हैं। भैया हम अपने स्कूल टाइम पे बहुत ही फेमस थे, मतलब काट है ना कि हम थे डांसर, थे हम डांसर, तो हम बहुत ही फेमस थे,
हम आते जाते लड़कियां प्रपोज मारती थी, यूं कहती हाँ। थी कि दीदी इनसे सेटिंग करनी है इनसे। बड़ा इतना घमंड था हमें। बहुत घमंड था, अभी नहीं है खैर। ऐसी शक्ल में घमंड यार, कोई आगे भी ना इनकी शक्ल में। तेरी शक्ल पे बहुत लोग कौवे हक जाते ऊपर से। लेकिन सच्ची बताओ तो मुझे आज तक किसी ने प्रपोज नहीं करा, कभी नहीं करा। देख रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं। बोला है कि हाँ तू अच्छी लगती है, बस इतने में खत्म कर देते हैं। मैं कुछ कहने वाली थी, भूल गई। हाँ बोल दे जल्दी जल्दी, काला हो गया। नहीं बोलते, यही बात की था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड का। ये एपिसोड ये बोलने तो दो, वो मैं बताऊंगी। डर खत्म, डर खत्म। नेवर हैव आई एवर पॉप इन अ ओपन प्लेस व्हाइल ट्रैवलिंग। तो अपन क्वेश्चन ये है, जैसे हम बैठे हैं ना, तुम कभी ट्रैवलिंग में वैसे करे हो, मतलब पॉटी या फिर सुसु कभी ट्रैवलिंग? ये तो हाँ यार, हर कोई करता है, ह्यूमन नेचर। अरे नहीं नहीं, मैंने ट्रैवलिंग के टाइम बाहर नहीं करा, लेकिन बस में करा था। मेरे को याद, मेरे को याद है, आपको याद है नैनीताल वाला ट्रिप में? पता क्या होता, मैं गई बाथरूम में से हीट आ रही है और अंदर एसी था। तो मैं सोच रही थी यार मैं टॉयलेट कैसे करूंगी। हाँ ऊपर से खतरनाक से लग रहा था, नीचे से रोड ही जा रही थी। हाँ मैंने करी, जैसे बैठी यूं ही बस हिल रही है, मेरे को बहुत अच्छी सा लगा, लेकिन मैं टॉयलेट करके आई थी। चलो तो मेरी स्टोरी भैया, मेरी का ही स्टोरी होगी। हम लड़के आदमी हैं, जहाँ दिखी साफ दीवार वहीं गंदे कर दिए। नहीं पॉटी करी आपने दीवार में? गाय थोड़ी है जो ऐसे चढ़ के करेंगे। अरे नहीं, कभी झाड़ी वाड़ियों में पॉटी वगैरह, और उसको कैसे साफ करना। तो भैया वीडियो हो चुका है समाप्त, और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि पिछली वीडियो में ना थोड़ा कम व्यूज आया था, तो भैया थोड़ा शेयर करिए। क्या कर रहे हो भैया यार आप लोग, थोड़ा हम पे तरस खाइए ऐसी शक्ल में। हम देखिए दरवाजा खोल के उधर से पब्लिक देख रहे, तब भी हम वीडियो बना। थोड़ा बस आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है? आप जितना प्यार करोगे हम उतनी जल्दी जल्दी वीडियोस डालेंगे, ठीक है? तो लाइक कमेंट शेयर और घंटी सब बजा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत